तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर पाथा जाता है ऊपरी जो कि एयरपोर्ट पर है। अच्छा पीसीगंज बाजार से अगर एयरपोर्ट चालू हो जाता है तो यहाँ के लोगों का विकास भी हो जाएगा और कुछ न कुछ तो आगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राजेश शुक्ला ब्लॉग में। दोस्तों आज हम आपको लेकर आए हुए हैं इस समय घाटमपुर पृथ्वीगंज प्रतापगढ़ के पास में, जहां पर आपको दिखाना चाहते हैं कि एयरपोर्ट बंद हो चुका है और इसको बंद हुए करीब कई साल हो चुके हैं। तो हम आपको यहां पर लेकर आए हुए हैं, दिखाना चाहते हैं। जो हमारे चैनल पर नए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल पाए और जैसे वीडियो डाले वो आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं और आगे आप दोस्तों आप सभी को दिखा रहे हैं। ये बहुत लंबा एयरपोर्ट था और इसमें बंद हो चुका है, तो हम आपको दिखाते हैं इसकी लंबाई जो है करीब 2.5 से 3 किलोमीटर है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी साइकिल और गाड़ियाँ वैसा चलती हैं, जो कि आपको हम दिखा रहे हैं। और ये बंद हुए करीब 25 से 30 साल हो चुका है। पहले यहाँ पर जो जहाज़ उतरती थी वो जहाज़ राशन लेकर आती थी, यहाँ पर उतारा जाता था और इसके लिए अभी ये बहुत दिनों से बंद है। इसका रिपेयरिंग भी नहीं हो पाया है, जो कि आप देख सकते हैं ये पूरा ख़राब हो चुका है। रास्ते का नज़ारा है यहाँ का, बहुत लंबा एयरपोर्ट बना है जो कि हम आपको आगे लेके चल रहे हैं, दिखाते हैं। ये देखिए नज़ारा आपको दिखा रहे हैं, ये सब पूरा ख़राब हो चुका है जो आप देख सकते हैं। बहुत दूर तक आपको दिखाई दे रहा है, पूरा बीच में गड्ढा हो गया है जगह जगह। दोस्तों इस समय हम बीचों बीच एयरपोर्ट के आए हुए हैं, जहां पर आपको दिखा रहे हैं कि यहां का जो एयरपोर्ट बना था वो सब ख़राब हो चुका है। अभी भी लोगों का आवागमन के लिए बन चुका है रास्ता, क्योंकि यहां पर प्लेन बहुत दिन हो गया, करीब 25-30 साल हो गया आए हुए, तो अभी यहां पर रनवे जो है वो बंद है। तो आप देख सकते हैं करीब 70-80 मीटर चौड़ा और करीब 3 से 4 किलोमीटर लंबाई में है, जो कि आप देख सकते हैं जहां तक आपको नज़र जा रहा है सिर्फ एयरपोर्ट का ही प्लॉट है और आप यहां तक देख सकते हैं पूरा एयरपोर्ट का प्लॉट आगे तक है। हम इस समय बीचों बीच खड़े हुए हैं, तो हम आपको आगे भी लेके चलेंगे, वहाँ पर आपको दिखाएँगे। और यहाँ पर आप देखेंगे नज़ारा, जो कि यहाँ पर पार्किंग होता था प्लेन, इस समय बन गया है चारागाह, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग भैंस और गाय चराते हैं यहाँ पर। तो पहले यहीं पर होता था पार्किंग और आती थी बड़ी बड़ी प्लेनें, लेकिन अब हो चुकी हैं बंद। आपको ये जो एरिया दिखा रहे हैं, पहले यहाँ पर होती थी पार्किंग प्लेन की, जो कि इस समय बंद हो चुका है। जो बड़ी बड़ी प्लेनें आती थी यहीं पर रुकती थी और इस समय बंद हो चुका है, आप देख सकते हैं। और यहाँ से आप देखेंगे रनवे जो है बहुत लंबा है और आगे तक आप देखेंगे तो यहाँ से वहाँ तक जाता है, बहुत लंबा रनवे है। तो हम आपको आगे भी दिखाना चाहते हैं, देखिए ये आगे रनवे जो कि बंद हो चुका है, हर जगह गड्ढा हो गया है जो कि ख़राब हो गया। देखेंगे तो यहाँ पर हर जगह ये ख़राब हो चुका है। पर ये नज़ारा जो है यहाँ का, ये देखिए आगे तक जहाँ तक ज़्यादा चौड़ा है, और आगे भी आपको दिखाना चाहते हैं, देखिए ये क्रैक हो चुका है जगह जगह पर। ऐसा एयरपोर्ट है जहाँ पर लोग लैटरिंग करने के लिए आते हैं यहाँ पर। और अब क्या बताएं हम आपको कि ये बहुत दिन बंद हुए हो गया है, यहाँ पर लोग लैटरिंग करने के लिए भी आते हैं, जो कि आपको दिखाना चाहते हैं आगे भी बहुत ज़्यादा लैटरिंग किया हुआ है, तो बहुत दिन बंद हुए हो गया है इसको। तो चलिए हम आपको आगे लेके चलते हैं और आगे आपको दिखाते हैं, आप हमारे चैनल बने रहने। दोस्तों देखेंगे तो आप यहाँ पर लोग लैटरिंग करने के लिए आते हैं, जो कि आप आगे देख सकते हैं बहुत जगह ऐसा है जो कि हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा गंदा है आगे, कि सिर्फ लैटरिंग पे यूज हो रहा है इसमें एयरपोर्ट। बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर। तो हम आपको ऐसी जगह लेकर आए हैं एयरपोर्ट पर जहां पर लैटरिंग का अड्डा बन चुका है
जो प्लेन का अड्डा रहता था वो लैट्रिन करने के लिए अड्डा बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर कुत्ते और आदमी लोग भी सुबह सुबह आते हैं, सुबह और शाम में आते हैं। तो हम आपको दिखाना चाहते हैं ये, क्योंकि इतना एयरपोर्ट बड़ा होने के बावजूद भी यहाँ पर लोग करते हैं लैट्रिन, क्योंकि ये बहुत दिनों से बंद है, करीब 30 सालों से बंद है। मात्र यही एक एयरपोर्ट था जहाँ पर प्लेन उतरती थी, जो कि बंद हो चुका है। तो हम आपको दिखाना चाहते हैं ये रनवे जो है, बहुत लंबा रनवे है जो कि अब बंद हो चुका है, और ये लगता है भविष्य में चालू होगा कि नहीं चालू होगा ये पता नहीं, लेकिन यहाँ पर बहुत जगह ऐसे ही पड़े हुए हैं जो कि यूज नहीं हो रहा है। तो अगर एयरपोर्ट चालू हो जाता है तो यहाँ के लोगों का विकास भी हो जाएगा। प्रतापगढ़ में कोई एयरपोर्ट है नहीं, इसके लिए प्रतापगढ़ में यहाँ एयरपोर्ट जो पहले का बना था अगर बन गया तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लोग अब सुबह और शाम में लैट्रिन करने के लिए आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पाथा जाता है ऊपरी, जो कि एयरपोर्ट पर है, ये आप देख सकते हैं एयरपोर्ट के जस्ट पास में ही है, और यहाँ बहुत सारी उपजियाँ पाथी जाती है और कचरा फेंका जाता है, जो आप देख सकते हैं आगे तक देख सकते हैं, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर बहुत लंबा एयरपोर्ट है आप देख सकते हैं यहाँ से। एक समय ऐसा था कि जहाँ पर जहाज उतर कर आती थी, आज यहाँ पर ऊपरी पाथा जाता है आप देख सकते हैं, और लोग लैट्रिन करने के लिए सुबह सुबह यहाँ पर आते हैं। और ये बहुत लंबा रनवे है जो कि हम आपको दिखाना चाहते हैं, बहुत लंबा रनवे है, और इसको बंद हुए कई साल हो गए, इसकी वजह से अब यहाँ पर कोई प्लेन नहीं उतरता, जो कि प्रतापगढ़ का एक ही मात्र एयरपोर्ट था जो कि अब बंद हो चुका है। तो हम आपको आगे दिखाना चाहते हैं। आपका नाम क्या है? इरशाद। तो कितना दिन एयरपोर्ट बंद हुए हुआ? अंदाजन ये 25-30 साल से कम नहीं था। पहले सब प्लेन उतरती थी? हाँ, वो तो नहीं उतर रहता है, लेकिन आवत जात को आवत जात के बाद उतरत रहे, हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर आवत है, लेकिन तब भी अभी तक नहीं टूट गए। कहाँ से आए? तो टूटा कैसे? अब वो का तो यह गेहूँ तेहूँ रहे ना, फिर कौन का निरीक्षण नहीं तो कहाँ हो गया? हाँ, कोई निरीक्षण नहीं होता है ना, बहुत दिन से बंद है इसके। तो प्रतापगढ़ के मात्र एक ही ऐसा एयरपोर्ट था ना, और यहाँ कोई एयरपोर्ट नहीं। तो हम आपको दिखाना चाहते हैं ये एयरपोर्ट प्रतापगढ़ का एकमात्र एकलौता एयरपोर्ट था, जो कि भी ये लैट्रिन का अड्डा बन चुका है। जो ये अड्डा बना है कौन सा गांव है? बाहरपुर। बाहरपुर किधर? आगे। हाँ, ये सब जितना है ये सब बाहरपुर। बाहरपुर। और ये अड्डा कहाँ से कहाँ तक बना था? अरे राजापुर से है, पीरसीगंज के हवाई मुख मोड़ तक, पीरसीगंज बाजार है यार। अच्छा, पीरसीगंज बाजार से कहाँ तक, कौन सा मोड़? राजापुर। राजापुर मोड़ तक करीब 3.5 किलोमीटर है क्या? तीन साढ़े तीन किलोमीटर लोग कहते हैं ढाई तीन दो ढाई दो ढाई तो इसके पास पास के गांव का नाम क्या है इधर आजू बाजू के? गोइंदहा है, बाहरपुर है, घाटमपुर है, नसीरपुर, भभुआ, तमाम मकरी, ये सब पास के गांव हैं। दोस्तों, आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और जैसे वीडियो डाले वो आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।